हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम डॉट वर्ल्ड। मैं हूं अंतरा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक काफ़ी स्पेशल टॉपिक, एक्चुअली अ वेरी स्पेशल टॉपिक, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझने के लिए। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू रोते रहते हैं, तो इस टाइम पर हम पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाते हैं। हमें लगता है कि क्यों रो रहा है हमारा बच्चा, इतना क्या ज़रूरत है उसे, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ लोग एडवाइस भी करते हैं कि हो सकता है बच्चे को भूख लग गई है या बच्चे को नींद आ रही है या बच्चे की गैस बन गई हो। तो इतनी सी बात तो हम सभी जानते हैं, इनफैक्ट जो पेरेंट नहीं है वो भी जानता होगा कि बच्चे जो है वो इन चार या पांच चीज़ों की वजह से ही रोता है। छोटा बच्चा है, आईफोन के लिए नहीं रोएगा, इतनी सी चीज़ों की वजह से ही रोएगा, इतनी सी बात हम सभी जानते हैं। पर यहाँ पर हमें कोई नहीं बताता कि जब बच्चा रोता रहता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर बच्चा किस वजह से रो रहा है, क्या चाहिए उसको उस टाइम पे। तो ये हम जानने वाले हैं आज कि आपका बच्चा जो रोता है पर्टिकुलर टाइम पे, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है और आप उसे फुलफ़िल कर दें और बच्चे के रोने को आप 90% तक कम कर सकते हैं। तो ये जो मैं आज बोल रही हूँ ये रियलिटी है, हमने इसे बहुत अच्छे से अपने साथ आज़माया है, इसीलिए मैं इतनी श्योरिटी से बोल रही हूँ। क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था, जब मेरा बेटा जस्ट 10 या 15 दिन का ही था, तो वो काफ़ी रोता रहता था। तो हमने सोचा कि शायद हम ही कुछ समझ नहीं पा रहे हैं जो इतना रो रहा है, हम ही उसकी ज़रूरत को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो शायद रो रहा है इतना। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बहुत जगह रिसर्च किया, अच्छे से हर जगह पढ़ा और एट दी एंड एक जगह पर आके हम रुके कि बच्चे जो हैं वो भी बात करते हैं, बच्चे जो है वो भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ये शायद आपको सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, पर दिस इज़ रियलिटी। बच्चे जो है वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, एक साउंड्स निकालते हैं, एक वोकल रिफ्लेक्सेस होता है बच्चे जो निकालते अपने मुंह से। अगर आप उस वोकल रिफ्लेक्सेस को समझ जाते हैं, उस साउंड्स को समझ जाते हैं, तो आप बच्चे की हर डिमांड को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो साउंड्स होते हैं वो अलग अलग नीड के लिए बच्चे अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, और ये साउंड्स जो होते हैं वो आप अगर सुनेंगे ऐसे तो आपको लगेगा कि हाँ सिमिलर तो लग रहा है, पर जब आप इसे अच्छी तरह से सुनने जाएंगे, ध्यान से सुनने जाएंगे, तो आपको इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। तो यही आज हम बात करने वाले हैं कि साउंड्स क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल साउंड्स क्या होते हैं जो बच्चे निकालते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए और अच्छे से जाने इन साउंड्स के बारे में, और अगर आपको लगता है सच में कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, मतलब जो भी न्यू मॉमी डैडी बने हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी अच्छी तरह से मदद हो पाए, वो भी अपने बच्चे की लैंग्वेज को समझ पाए और उनके साथ डील ईजिली कर पाए। क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक जा पाएँ और उनकी जो पेरेंटहुड है उसे हम ईजी कर पाएँ या बोल सकते हैं स्मूथ कर पाए। तो इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हमें कमेंट में पेरेंट्स लिखते हैं हम उसे तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, जितने जल्दी हो सके हम रिप्लाई करते हैं, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो अपने बच्चे को टैकल करने में। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो साउंड रिफ्लेक्सेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे एक्चुअली में बोला जाता है डनस्टन बेबी लैंग्वेज। एक ऑस्ट्रेलियन वूमेन थी जिसका नाम था प्रिसिला डनस्टन, उसने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। उसने अपने बच्चे के साथ इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, बच्चे की साउंड्स को ऑब्जर्व किया, और ये डनस्टन बेबी लैंग्वेज को उसने डिस्कवर किया। तो ये थे डनस्टन बेबी लैंग्वेज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये लैंग्वेज में एक्चुअली में क्या क्या साउंड्स होते हैं। तो पहला साउंड होता है नेह, नेह। आप बहुत बार देखना बच्चे जो होते हैं वो ऐसे साउंड निकालते हैं नेह। ये जो साउंड होता है वो होता है हंगर का। जब बच्चे को बहुत भूख लगती है तो बच्चा जो है वो थोड़ा सक करने की कोशिश करता है, तो सक करने की कोशिश करता है तो तब बच्चा निकालता है नेह, ऐसा साउंड निकालता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब बच्चे को थोड़ी ज़्यादा बच्चा ज़्यादा ही भूखा हो जाता है तो ऐसा निकालता है साउंड नेह, बहुत ज़ोर से नेह ऐसा साउंड निकालेगा। आप अपने बच्चे के साथ देखिए इस चीज़ को, आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए अपने बच्चे को, वो भी नेह, जैसी बच्चा नेह निकालेगा तो आप समझ जाइए बच्चा भूखा है, और बच्चे को फीड करिए तो देखना तुरंत ही बच्चा चुप हो जाएगा। तो चलिए जस्ट हैव अ लुक जो बच्चे निकालते हैं नेह साउंड। तो
तो दोस्तों थाना ही अमेजिंग। तो जब भी आपका बच्चा नेह साउंड निकालता है तो समझ जाइए कि बच्चे को भूख लग गई है और बच्चे को आप तुरंत ही फीड कर दें। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट साउंड में। तो हमारा नेक्स्ट साउंड होता है एह। एह साउंड जो होता है वो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चा जो है वो शॉर्ट में ई बोलना चाह रहा है। और ये एह साउंड जो है वो थोड़ा सा नेह साउंड से सिमिलर भी होता है। ये सिमिलर आपको अभी लगेगा पर जैसे आप बच्चे को ध्यान से सुनने लगेंगे ना तो आप इजीली इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब बच्चा नेह बोल रहा है और कब बच्चा एह बोल रहा है। और ये एह साउंड जो होता है वो होता है बच्चा बर्प कराओ ये बोलना चाह रहा है, मतलब बच्चे को डकार की ज़रूरत है उस टाइम पर। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे को हम फीड कराते हैं और उसके बाद जब डकार दिलाते हैं तो बच्चा डकार नहीं लेता है और बच्चे को हम फिर सुला देते हैं। तो जो एयर बच्चा फीडिंग के दौरान अंदर चले जाती है बच्चे के, तो वो बच्चे के अंदर परेशान करने लगती है बच्चे को और बच्चे एह एह ऐसे साउंड निकालते हैं। तो ये साउंड जब भी आप सुनते हैं अपने बच्चे में तो तुरंत ही आप बच्चे को थोड़ा सा खड़ा करिए और बच्चे को डकार दिलाइए। तो चलिए देखते हैं ये साउंड कैसे निकालते हैं बच्चे। तो दोस्तों देखा आपने बच्चों ने कितने क्लियरली एह साउंड निकाला। पर जब आप अपने बच्चे में ये देखना चाहेंगे तो हो सकता है आप इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए एह और नेह में, पर 2 या 3 दिन में ही आप दोनों में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि बच्चा कब एह बोल रहा है कब बच्चा नेह बोल रहा है। तो जब भी आपको लग रहा है बच्चा एह एह ऐसा कर रहा है तो आप बच्चे को तुरंत ही डकार दिलाएं और देखिए बच्चे को कितने जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट साउंड में। तो नेक्स्ट साउंड जो है जो बच्चे निकालते हैं वो है ऐसे निकालते हैं। तो ये साउंड आपको सुनने में आएगा आर आर ऐसे सुनने में आएगा। तो जब भी आपको लग रहा है बच्चा आर ऐसे कर रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे को गैस बन गई है, क्योंकि बच्चे का पेट जो है वो पूरी तरह से टाइट हो गया है और बच्चा आर आर ऐसे निकाल रहा है। तो यहाँ पे सोचिए आपको कितना इजी हो गया कि आपको पता चल गया कि बच्चे को गैस बन गई है। तो आप फटाफट से बच्चे के साथ गैस की रेमेडीज अप्लाई करिए और बच्चे को गैस फ्री करिए। तो देखते हैं कि ये आर साउंड जो है बच्चे कैसे निकालते हैं। आई नो फ्रेंड्स ये आर साउंड जो है वो अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा डिस्टिंग्विश करने में, पर धीरे धीरे लेटर ऑन जब आप बच्चे को डेली सुनने लगेंगे और डेली ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आप इजीली इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब बच्चा आ बोल रहा है और आप फटाफट से बच्चे में गैस रेमेडीज अप्लाई कर देंगे। सिर्फ आपको थोड़े दिन, सिर्फ 2 या 3 दिन ही चाहिए बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए, फिर तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप फटाफट से इसे सीख जाएंगे और बच्चे को ऑब्जर्व इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं अपने नेक्स्ट साउंड को। तो नेक्स्ट साउंड है जो बच्चे निकालते हैं वो है बहुत बार आप बच्चे को देखेंगे बच्चे जो है वो है इस तरह से साउंड करते हैं। जो ये है साउंड होता है वो है बच्चे के डिस्कम्फर्ट का, मतलब इस टाइम पे बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। और डिस्कम्फर्ट के तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे हो सकता है आपने जिस पोजीशन में बच्चे को रखा है वो पर्टिकुलर पोजीशन से बच्चे को कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है, या हो सकता है जो कपड़ा पहना है बच्चा उस कपड़े से बच्चे को कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, या बच्चे को ठंडी लग रही हो, या हो सकता है बच्चे का डायपर ही गीला हो गया हो, या बच्चे ने पॉटी कर दी हो, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं डिस्कम्फर्ट के। तो आप इस चीज़ को फाइंड आउट करिए कि आपके बच्चे को किस वजह से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और आप बच्चे को कम्फर्ट जोन दीजिए। तो फिर देखिएगा कि बच्चा कितना जल्दी से हैप्पी हो जाता है और जो बच्चा रोने लगा है वो चुप हो जाएगा। तो देखते हैं ये है साउंड कैसे बच्चे निकालते हैं। तो देखते हैं बहुत इजी था ना दोस्तों इस साउंड को पहचानना। तो जब भी लग रहा है आपका बच्चा जो है वो है कर रहा है तो आप बच्चे को कंफर्ट जोन दे दीजिए, फटाफट से दे दीजिए, फिर देखिए बच्चा कितना खुश हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट साउंड में जो कि हमारा लास्ट साउंड है। तो नेक्स्ट साउंड जो बच्चे निकालते हैं वो है आ आ इस तरह से साउंड निकालते हैं, जैसे यॉन करते हैं हम उस तरह से बच्चे भी आ ऐसा करते हैं। अगर ऐसा देखते हैं आप अपने बच्चे में तो आप समझ जाइए कि बच्चा जो है इस टाइम पे टायर्ड हो चुका है। हो सकता है बहुत से रीजंस हो सकते हैं टायर्डनेस के बच्चे के, आप उसे फाइंड आउट कीजिए। जैसे एक टायर्डनेस का रीज़न हो सकता है कि बच्चा सक करते करते टायर्ड हो गया हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना हमें मिल्क प्रॉपरली नहीं आता है और बच्चा सक करता रहता है। तो उस टाइम भी देखिएगा बच्चे जो है वो आ
थोड़ी देर बाद ऐसा करेंगे। तो ये आप पहचानिए, बच्चे के टायर्डनेस के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, आप उसे फाइंड आउट करिए और बच्चे की टायर्डनेस को दूर करिए। तो देखते हैं बच्चे के साउंड किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों ये साउंड भी आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा समझने में, तो जब भी आपका बच्चा इस तरह से साउंड कर रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से टायर्ड हो चुका है और आप उसकी टायर्डनेस को दूर करिए और उसे खुश करिए। तो फ्रेंड्स यही पांच चीज़ें थी, यही पांच साउंड्स थे जो बच्चे निकालते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ निकालते हैं, और ये लास्ट करता है 3 to 4 मंथ तक के बेबी तक। मतलब बच्चे 3 से 4 महीने के होते हैं तब तक इस तरह से साउंड निकाल कर हमें सिग्नल्स देते हैं और उसके बाद बच्चों का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। पर हमारे लिए तो ये 3 से 4 महीना जो है वही बहुत है बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके बाद हमें कोई भी पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी साउंड्स की ज़रूरत नहीं है। हम 3 महीने में बच्चे को इतनी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्प करेगी अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो न्यू मम्मी डैडी हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।